अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है उमैर आसिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हीज उमैर आसिफ। वैसे तो आपने ये मस्जिद सुबह वाले व्लॉग में भी देखी है, जब हम बारसोने से यहाँ पे आए थे तब भी आपने हमारा सारा सफ़र देखा है। अभी जो मैं व्लॉग बनाने लगा हूँ वो ये मैं होटल का रिव्यू करने लगा हूँ जनाब। इस पेरिया होटल में आके हम लोग ठहरे थे, मैंने ही बुक किया था, booking.com से बुक किया था। बड़ा ही अच्छा होटल मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, रीज़नेबल प्राइस। शायद सीज़न आउट है इसलिए भी। हम लोग 7 दोस्त थे, ठीक है, 3-4 दोस्त ये खड़े हैं, एक दो जाके सो गए हैं, मैं हूँ जनाब, वो बेग साहब खड़े हैं। इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है जनाब, क्योंकि दूसरी तरफ भी होटल है नहर के, लेकिन वो आपको फिर ये नहर देखने का, वो पुल क्रॉस करने का आपको मौका नहीं मिलता, ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने खुद जो है बुक किया था ये नहर की इस तरफ, ताकि हम पुल क्रॉस करके जाएं सारे शहर में, मस्जिद में जाएं, बाकी विज़िट करें और पुल क्रॉस करके वापस आएं, ताकि हमें नहर देखने का भी मौका मिले, दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी। तो आए अभी जनाब होटल के अंदर चलते हैं, इसका मैं कमरा दिखाता हूँ, इसकी प्राइस बताता हूँ, कम्फर्टेबल कितना है, लोकेशन कितनी नज़दीक है, सारा कुछ वो जो है इस व्लॉग में मैं बताऊँगा। और सुबह हमने जाना है ग्रेनादा अलहमरा पैलेस देखने, वो बड़े ही मज़ेदार व्लॉग होने हैं। इसलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबसे पहले करें सब्सक्राइब। उसका ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आए अभी चलते हैं होटल के अंदर। आपको दिखाते हैं रूम का रिव्यू, ठीक है। एंट्रेंस तो आपने देख ली, फ्रंट भी आपने देख लिया, ये व्यू भी आपने देख लिया, अब आपको रूम का व्यू बताते हैं। वैसे तो जब भी रूम के अंदर आए जनाब, वो कार्ड जो हमने एंटर किया है उससे सारी लाइटें जल भी जाती हैं, और सारी लाइटें जब उस कार्ड को निकाले तो बंद भी हो जाती हैं। लेकिन मैंने सोना था दोपहर के टाइम, तो इस वजह से मैं एक एक लाइट बंद करके गया था, और मुझे फिर जलानी पड़ रही। वाह माशाल्लाह, ये मैं नहाया हूँ जनाब जी। तो जनाब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, कार्ड अंदर डाला, वॉशरूम। सबसे पहले आपको पता है कि वॉशरूम बेहतरीन किस्म का वॉशरूम, कोई गर्म पानी वॉशरूम जिस तरह होते हैं, साफ सुथरा कंप्लीट, 4-स्टार ही होटल है ये, टच दिया हुआ है इन्होंने जनाब कोर्दबा का, ठीक है, ये क्या बात है। ये पूरा व्यू जनाब रूम का, इधर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है जिसके अंदर आप अपना लुक शुक चेक कर सकते हैं, एसी, ठीक है, ऑन ऑफ 18, इसको मैं रख देता हूँ 22-21 पे रख देता हूँ फिलहाल। अलमारी कफर्ड थे जैसा कि सऊदीया वाले होटलों में मौजूद था, ये पता नहीं क्या है, एक एक्स्ट्रा कंबल, कपड़े शपड़े मैंने कोई भी नहीं रखे क्योंकि कल हमने कराना था चला जाना, तो कपड़े मैंने इधर ही पड़े रहने दिए हैं बैग के अंदर ही। उसके बाद टीवी ये सुबह लगाया था, इसमें सारी कोर्दबा की इंफॉर्मेशन आ रही थी,
लाइट पड़ दे, पीछे का व्यू बड़ा मजेदार है जनाब। होटल का ही टेरेसा है पिछली साइड पे, चेक करें। ओए होए होए होए, ये छत के नीचे इस तरफ जो है ना वो कुर्सियां पड़ी हुई है, नीचे बार टाइप बनी हुई है जिधर बैठ के जनाब आप काफी वगैरह पी लें, कोका कोला पी लें। सारा होटल यहाँ ये सामने, ये होटल का सेंटर बन गया और ये चारों तरफ कमरे, काफी बड़ा होटल है। प्राइस रीजनेबल है इसकी जनाब, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। उसके बाद जनाब ये पड़ा है, हम लोग सात दोस्त थे, बीबी सात दोस्त आए हैं हम लोग, हम हर एक दोस्त को पड़ा है तकरीबन 40 यूरो पर नाइट का, जो कि कुछ भी नहीं है, बड़ा बेहतरीन किस्म का बेड सोने के लिए। उसके बाद जनाब नाश्ता इंक्लूड नहीं था, नाश्ते के 14 यूरो एक्स्ट्रा थे, वो हमने नहीं था लिया, वो हमने बाइट से ही कर लिया था। उसके बाद जनाब सुकून, सफाई, हर चीज़ इसकी परफेक्ट किस्म की है। अगर आप कोर्दबा आए, मस्जिद कोर्दबा देखने आए, तो जनाब मैं रिकमेंड करूँगा कि इनकी पार्किंग भी अपनी है, उसको वो चार्ज करते हैं 12 यूरो शायद पर डे के हिसाब से, हमारी गाड़ी बड़ी थी उसने 15 चार्ज किए हैं। तो जनाब मेरी तरफ से होटल पास हो गया, लोकेशन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, सफाई के लिहाज से, हर किस्म के लिहाज से। चलें जी आज का व्लॉग यहाँ पर ही करते हैं ख़त्म, ये मिलेंगे सुबह वाले व्लॉग में जब हम कोर्दबा से ग्रानादा जाएंगे, ग्रानादा से जनाब स्पेशली अलहमरा पैलेस जब देखने जाएंगे ना, मिलेंगे उस वाले व्लॉग में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। सुबह तक के लिए अल्लाह हाफिज़।